let's start with chapter number 10, Life of Helen Keller. In this chapter, we will study about life of Helen Keller. ठीक है, देखो कैप्टन आर्थर हमारे कैप्टन है, जिनका नाम है कैप्टन आर्थर कैलर. ठीक है, एंड कैटाउस एडम्स कैलर, ये आपके टुस्कोगिया एक स्मॉल टाउन है नॉर्थ वेस्ट एल्बेना में, जिसे हम कहा कहते हैं यूएसए. ठीक है, दे आर ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल ऑन 27 जून 1880. उनका नेम उन्होंने रखा हैलर. वो बहुत हेल्पी चाइल्ड थी एंड हर पेरेंट्स एंजॉयड वॉचिंग हर ग्रो. द फैमिली वॉज नॉट वेरी रिच वन एंड कैप्टन कैलर वॉज अर्लियर इन द आर्मी. पहले वो आर्मी में थे एंड आफ्टर लिटिल वर्ड्स ही हैज अर्न अ लिविंग बोथ एज कॉटन प्लांटेशन ओनर एंड द एडिटर ऑफ वीकली लोकल न्यूज़पेपर, जिसका नाम था नॉर्थ एल्बेनियम. हेलेन्स मदर वर्क ऑन प्लांटेशन व्हेन हेलेन वॉज 19 मंथ्स ओल्ड. जब वो 19 मंथ्स ओल्ड थी वो बीमार हो गई. शी फेल इल एंड द डॉक्टर सेड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फीवर. और वो किससे सफर कर रही थी? ब्रेन फीवर. ठीक है, व्हेन द फीवर सब्सिडाइडेड हेलेन अपीयर टू बी वेल. जब वो सही हो गया वो थोड़े अच्छे दिखने लगी. बट अनफॉर्चुनेटली रियलिटी शी वॉज फार अवे फ्रॉम. लेकिन अगर वो रियलिटी की बात करें, शी वॉज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी. नाउ हेलेन स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू द साउंड साइट्स एंड सिंबल एक्शन. देखो हेलेन एफ ने क्या करा, शी स्टॉप रिस्पॉन्डिंग. उन्होंने रोका साउंड्स को, साइट्स को, सिंपल एक्शंस को. एंड शी डिड नॉट ब्लिंक व्हाइल स्टेयरिंग बैक एट द सनलाइट. और जब वो सनलाइट को देखती थी उस टाइम पे भी वो अपनी आइज को ब्लिंक नहीं करती थी. She neither responded to her father's claps nor to a bright lamp that her mother had brought in front of her. ठीक है, ना तो वो अपने फादर की जगह उसके क्लैप करते थे ना उसको रिस्पॉन्ड करते थे. अगर उसकी मदर कोई, जैसे उसकी मदर एक ब्राइट लैम्प लेके उसके सामने, तो उस पर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं करा. इट वॉज एविडेंट टू कैलर दैट हेलेन हैज बिकम बोथ ब्लाइंड एंड डेफ. और कैलर को ये लगा कि जो हेलेन है तो दो चीज हो गई है, वो ब्लाइंड भी होगी, अंधी भी होगी, डेफ से सुनाई भी नहीं देती. द चैलेंजेस एंड हर्डल्स अहेड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड चाइल्ड वर नॉट ईजी, पेनफुल एंड ट्रॉमेटाइजिंग नॉट ओनली फॉर हेलेन बट ऑल्सो फॉर आर फैमिली. ये नहीं देखो पेनफुल हो, ये नहीं कि खाली हेलेन के लिए, उसके साथ साथ उसकी फैमिली के लिए. हेलेन बिकम अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड. शी थ्रू टेंट्रम्स एंड स्क्रीम्ड एट एवरीबडी. हर बिहेवियर बिकम अनरीजनेबल. और जिसकी वजह से जो आपकी कैलर है वो क्या होगी, अपसेट होगी. People known to the family advised them that she should be put into a institution. कि भाई फैमिली ने एडवाइस करा कि आपको उस इंस्टीट्यूशन में इसको रखो जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चे. Children refused to play with her and Helen became ill-tempered, miserable and lonely child. और बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे तो हेलन कैसी बन गई, वो बहुत ill-tempered हो गई. She became miserable और lonely child. उसको बहुत अकेला अकेला फील हो रहा. ठीक है, With a heavy heart, her mother would say, Helen, behavior is getting worse. What should we do? फिर उसकी मदर कहती है कि हेलन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता जा रहा है, तो हम अब क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? The soft-hearted father would simply reply, we cannot punish a child who does not understand what she is doing and what she should go. देखो हम उसको पनिश नहीं कर सकते, इस बच्चे को यही नहीं पता मुझे क्या करना है या वहाँ क्या मुझे करना चाहिए. The Keller now needed professional guidance. They met Dr. Michael एनोवर्स. ही डायरेक्टर थे पर्किन इंस्टीट्यूट जो ब्लाइंड का था एंड इट वॉज इन बॉस्टन. माइकल एनोवर्स कंसिडर्ड हेलेन केस इमीडिएटली. उसने रिकमेंड करा कि जो फॉर्मर स्टूडेंट थे इंस्टीट्यूशन के वो गया हेलेन टीचर, कि तुम हेलेन के क्या बनो, टीचर बनो. एंड शी वॉज एनिस लेवन. उसके टीचर का नाम क्या था, एनिस लेवन. ये वो लेडी थी जिन्होंने हेलेन की लाइफ को कम्प्लीटली क्या कर दिया था, चेंज कर दिया. Annie had poor vision herself. उसके लिए poor vision थी, but she was keen to work and earn her living on her. उसके बाद भी वो अपने लिए earn करती थी अपनी life को जीने के लिए. So she accepted the job being Helen. तो उसने कहा ना, जो उसकी job थी ये आपको Helen का teacher बनना है, वो उसने accept कर. On March 3, 1887, Annie arrived at the house to Scovia and met Helen Keller. Annie started teaching Helen Keller. उन्होंने उसको finger spell सिखाए कि आप फिंगर पे कैसे स्पेल आउट कर सकते हो. शी टॉट हर लैंग्वेज ऑफ टच एनी स्पेल्ड आउट वर्ड डॉल. ठीक है, DOLL ऑन पॉलर हेलन पाम एंड देन प्लेस द डॉल इन हर. और वो क्या करती है, डॉल को हेलन के हाथ में पकड़वा देती है. दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड दैट हेलन लर्न टू स्पेल विद ग्रेट पेशेंस एंड डेडिकेशन. एनी कंटिन्यूड विद हर टीचर. देखो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ वो उसको पढ़ाती हुई. एंड एनी रोट कैट ऑन हर पाम. फिर वो कैट लिखती है
And when she drank the milk, she felt that letter milk and being written on her palm. This helped Helen to learn the concept of various things. इससे उसने क्या करा, उसको डिफरेंट चीजों को समझाया. She found a novel way to communicate with others. Annie had to work on Helen's behavior too. Helen was rude to people. वो बहुत ज्यादा rude रहती थी. She was very much impolite in table manner and social behavior needed attention. क्योंकि भाई एक उसको attention नहीं मिल पा. Helen should dress herself and brush her own hair. All his training required great skills and patience. Each time Helen disobeyed or misbehaved and punished her. जब भी वो डिसओबे करती थी या मिसबिहेव करती थी तो आने उसको पनिश करती थी. ठीक है, उसके गलत बिहेवियर थे. Helen communication with the world was largely through Annie. So she hated the idea of Annie's becoming angry. So Helen learned to obey and behave well. तो उसने सीखा कि कैसे आपको चीजें सीखनी है, कैसे आपको अच्छे से बिहेव करना है. The day Helen learned to spell water, a new inspiration set in her progress in learning word. And the experience changed her attitudes towards learning. और जिसका एक experience था वो change हो गया towards learning. ठीक है, वो ही दिन था. Helen was so inspired that within the next few hours she learned the spelling of 30 new words. उसने within a, अगर हम बात करें within मतलब कुछ ही next few hours, उसने 30 words ज़्यादा से mother, teach, teacher, Annie taught her to spell baby, and Helen tells her young sister she spelled her Helen Keller. ठीक है, और क्या spell करा, Helen Keller. Helen recalled her, I was born again that day. I had been a little ghost in a no world. Now I knew my name. I was a person, I could understand people and make them understand. कहते हैं कि जिस दिन मैं मेरी बर्थ हुआ था, मैं जिस दिन बॉर्न हुई थी उस दिन मैं क्या थे, एक टेबल गोस्ट की तरह. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द एनी वर्ड. नाउ आई नो माय नेम, आई नो आई एम अ पर्सन, आई कुड अंडरस्टैंड पीपल. ठीक है, मैं उनको समझ भी सकती हूँ एंड मेक देम अंडरस्टैंड. ऑन मॉर्निंग हेलन स्पेल्ड आउट कंप्लीट सेंटेंस, डॉल इज ऑन द बेड. अगर हम बात करें ऑन मॉर्निंग, हेलन ने कंप्लीट वर्ड बोला, कंप्लीट सेंटेंस बोला, डॉल इज ऑन द टेबल. Sorry, bad. Motivated by the progress that Helen was made, Annie said, tomorrow I shall teach you to read. Annie क्या कहती है कि कल तुम्हें पढ़ाऊंगी कि कैसे, मैं कल तुम्हें टीच करूंगी कैसे पढ़ते. Annie began teaching Helen to read. She first read raised letters and later read with braille. She learned to write with both ordinary as well as braille write. वो सिंपल टाइप राइटर और braille वाला जो टाइप राइटर होता है दोनों से लिख. She was well on her path becoming well-educated person. She was given all possible opportunities. So, सारी जितनी भी possible opportunity वो दी गई कि वो अपनी abilities को develop करे. और Helen made the best use of it. और Helen ने उसका best use करा भी. Helen developed great confidence and she even visited President Cleveland at a White House. ठीक है, और वो मिलके भी आती है President से, Cleveland से कहा White House. Now 1890 at the age of about 10, Helen moved to Perkins Institution. वो कहाँ चली जाती है, Perkins Institution पे. Annie continued to teach her. Helen made friends with other blind children in the institute. Lonely, जो उसका loneliness था, मतलब जो उसका अकेलापन था, वो अब bore होने लगा. ठीक है, and she learned Latin, German and arithmetic. उसने Latin भी सीखी, German भी सीखी और arithmetic. 1894 में Helen and Annie met John D. Wright और John Dr. Thomas Humason, who were planning to set up a school to teach a speech to a deaf in New York. वो क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि वो एक स्कूल सेटअप करेंगे जिसको बच्चों को स्पीच देना सिखाए. एंड हेलन अटेंडेड द राइट ह्यूमन स्कूल ऑफ द डेफ. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हेलन की स्पीच नेवर रियली इम्प्रूव बियॉन्ड द साउंड दैट ओनली एनी अदर वेरी क्लोज टू हर कुड अंडरस्टैंड. बट द फैक्ट दैट शी कुड कम्युनिकेट was encouraging enough for Helen to move ahead in life. जिससे क्या करा, Helen को encourage करा कि आपको और life में और आगे बढ़ना. Helen wished to study in school college, but before that she had to take admission in another school that would prepare her for school. तो जो Helen है, she could not afford the fee. तो Mark Twain थे, मतलब famous author थे, इसके Adventure of Tom Sawyer के. Some of his friends paid for her education. 1896 में Helen moved on the Cambridge School for young lady. ये great achievement था for the lady who was blind, deaf and could barely produce sound for communication. ना तो वो देख सकते ना ही वो सुन सकते, उसके बाद भी वो sound produce कर रही है communication. Helen worked very hard at school and did not disappoint for her benefactors. She began writing poems and stories. ठीक है,
उसने क्या करा, वो पोएम्स लिखती थी, स्टोरीज लिखती थी. एंड शॉर्टली बिफोर हर एग्जामिनेशन हेलन लॉस्ट हर फादर एंड इमोशनली डिस्टर्ब. उसके फादर की डेथ हो गई थी, शी वॉज इमोशनली डिस्टर्ब. वो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गई थी. हेलन डिड हर बेस्ट इन एग्जामिनेशन एंड ई कुड नॉट अकम्पनी हेलन टू द एग्जामिनेशन. अ टीचर स्पेल्ड आउट क्वेश्चन एंड हेलन इन हेलन्स हैंड एंड हेलन टाइप आउट आंसर. और हेलन ने क्या करा, मेरे को उसके टीचर क्वेश्चन बोलते थे और वो क्या करती थी, टाइप करती थी. द फॉलोइंग वीक शी हैज लर्न दैट शी वॉज पास ऑल द सब्जेक्ट. इतनी सारी चीज सीखने के बाद शी पास ऑल द सब्जेक्ट्स. एंड इन 1900 हेलन एंटर रेडक्लिफ कॉलेज, बिकमिंग द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू एवर एनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ हेलन. ये पहली डेफ और ब्लाइंड पर्सन थी जिसने फर्स्ट टाइम क्या करा था, एनरोल्ड करा था इंस्टीट्यूशन ऑफ हेलन ओनली. द गर्ल इन हर क्लास वॉज फ्रेंडली एंड इवन इलेक्टेड हर वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द क्लास. उसको वाइस प्रेजिडेंट, क्लास का वाइस प्रेजिडेंट बनाया गया. Helen began to write about her life. She wrote the story about in Rally and on normal type. ठीक है, इसका नाम था The Story of My Life. और किसने एडिट किया था, जॉन मैकिवे, who later married Annie and the writing was published in a magazine 1903 and she was paid for. उसको उसके लिए पे करा गया. Helen once said, when the blind are indebted at Louis Verdi as mankind to Newton. जून 1994 में हेलन ग्रेजुएट हुई फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज. हेलन बिकम अ फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर आर्ट डिग्री. ये पहली ऐसी बच्ची थी जिसको क्या मिला था, बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री. हेलन नाउ फेल्ट दैट शी मस्ट एजुकेटेड पीपल ऑन द वेज टू हेल्प द ब्लाइंड. हर मेन गोल ऑफ द लाइफ इज टू स्प्रेड अवेयरनेस. ठीक है, इसका पहला एम क्या था कि ये क्या स्प्रेड करेंगे, अवेयरनेस रिगार्डिंग द पुअर नेगलेटेड स्टेट ऑफ ब्लाइंड. Their initiate abilities and their aspirations, she had to raise funds only to sustain living for herself and but also to start project to remove darkness from the lives of the blind. Then she thought that she could do best by giving lectures and writing. She strongly felt that she must give the others what she had gained from Annie. जो उसने Annie से gain करा है वो क्या करेगी, और वो भी देगी. ये उसने क्या करा. The chapter was वेरी इंटरेस्टिंग. आप देखते हैं कि एक जो इंसान ना सो सकता है ना देख सकता, उसके बाद भी उसके अंदर उसने कितने एफर्ट्स करे और शी हैज टुक अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन ऑल्सो. ठीक है, इसलिए अगर आपको क्या करना, अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.